हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विवेक कुमार मिश्रा एक बार फिर से अपने टेंस सीरीज के 9वें वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करेंगे इसके यूजेस से। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वैसे एक्शन को बताने में किया जाता है जो कि पास्ट में कम्प्लीट हो गया है, लेकिन बोलते समय या उससे पहले ये चल रहा है या चल रहा था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस। अब यहाँ देखिए, द थीव ब्रोक इनटू हिज हाउस, ये वर्क जो है वो पास्ट में हुआ। इससे पहले एक वर्क चल रहा था, वो वर्क ये है, ही हैड बीन स्लीपिंग, वह सो रहा था। ओके, तो पास्ट में ये काम हुआ, बट इससे पहले ये काम कंटिन्यू था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुनीता हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन सी हर्ड अ नॉक एट द डोर। अब यहाँ पे सी हर्ड अ नॉक एट द डोर, इस वर्क से पहले जो है ये वर्क कंटिन्यू था, वो सो रही थी 2 घंटों से। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में। अब बढ़ते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट साथ में क्वेश्चन मार्क लगता है। और WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट साथ में क्वेश्चन मार्क लगता है। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आई हैड बीन क्लीनिंग द हाउस, आई हैड बीन क्लीनिंग द स्टडी रूम सिंस मॉर्निंग व्हेन आई हर्ड द फायर अलार्म। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। हैड वी बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी हर्ड द नॉइज इन द स्ट्रीट। व्हाई हैड दे बीन playing on the grass for the 2 hours when it started raining। तो इन सभी sentences में आप देख रहे हैं कि जहाँ एक work complete हो रहा है, वहीं उससे पहले एक और work चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। Practice question पे आते हैं, देखते हैं कि क्या हमने सीखा है सही ढंग से या नहीं। तो we के साथ आप लगाइएगा had been और साथ में talking। स्नेहा के साथ आप लगाइएगा had been साथ में learning। we के साथ आप लगाइएगा had been साथ में वेटिंग। और सी के साथ आप लगाइएगा हैड बीन साथ में स्टिचिंग। कनिका के साथ आप लगाइएगा हैड बीन साथ में स्टेइंग। और दे के साथ आप लगाइएगा हैड बीन साथ में डिगिंग। उम्मीद करते हैं आप इसे सीख गए होंगे। और इसी के साथ पास्ट टेंस पूरी तरह फिनिश। अब बाकी बचा है फ्यूचर टेंस, उसे ही मैं जल्दी अपने वीडियोस के माध्यम से फिनिश कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरह से वीडियोस आपके लिए एक पर एक करके लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।